हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2024 में दिवाली कब है, लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे दिवाली पर्व की सभी प्रमुख तिथियां क्या रहेंगी, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों शास्त्रों में दिवाली को सभी बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिनों का होता है जिसकी शुरुआत धनतेरस से होकर भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। दोस्तों दिवाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए बात करते हैं साल 2024 में दिवाली कब है, लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे दिवाली पर्व की सभी प्रमुख तिथियां क्या रहेंगी। आइए जान लेते हैं दिवाली 2024 में कब है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में दिवाली का त्योहार 1 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन भी किया जाएगा। अब जान लेते हैं दिवाली लक्ष्मी पूजन 2024 के बारे में। दोस्तों अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर की शाम 3:52 पर। अमावस्या तिथि का समापन होगा 1 नवंबर की शाम 6:16 पर। दोस्तों लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से शाम 6:16। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से 8:11 और वृषभ काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:20 से लेकर 8:15 तक। अब जान लेते हैं दिवाली 2024 की अन्य तिथियां क्या रहेंगी। दोस्तों धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ेगी। दोस्तों गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को होगी और भाई दूज 3 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं लक्ष्मी गणेश पूजन विधि के बारे में। दोस्तों दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी के लिए आसन तैयार करें। इसके लिए एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र करें और इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। दोस्तों अब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर इस चौकी पर स्थापित करें। माँ को कमल के फूल पर विराजमान करें और उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दोस्तों माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत, चंदन व पुष्प अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित कर मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों अंत में गणेश जी व माँ लक्ष्मी की आरती करें। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।